Na 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 na. Still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज जो ये पिद्दी व्लॉग देख के अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बीच पे। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल हम ऐसे ही रैंडम बाहर गए एग्स लेने के लिए। हमारे यहाँ पे फार्म है तो वहाँ से ताज़े अंडे मिल जाते हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ पे अंडे लेने जाते हैं। जब हम बाहर निकले, बाहर इतना ब्यूटीफुल मौसम था, तो हमने सोचा कि यार आज बाहर ही रहेंगे। मैं अपना फ़ोन ही लेके गई थी, ना मेरे पास पैसे थे ना ही कैमरा, और मैंने सोचा कि अभी हम जैसे हमारा दिन जाएगा मज़ा करेंगे प्लान के बिना ही। तो हम चले गए बर्लिंगटन, उसके बाद हमने वहाँ पे मैक्सिकन खाना शूट नहीं किया ना कुछ उस दिन मैंने। मैक्सिकन खाने के बाद हम लोग लेक शोर पे बीच पे चले गए। वहाँ पे बीच पे ना कॉर्नर में सैंडी बीच था, जिसपे हिम्मत ने बहुत मज़ा किया। मेरे कपड़े भी अनकंफर्टेबल ही थे वैसे, मैं बहुत ही डेनिम पहनी थी मैंने उस दिन, शायद गर्मी का दिन था, पर बहुत मज़ा किया हमने। जब आप कई बार अनप्लान्ड कहीं पे जाते हैं ना अचानक से बिना किसी चिंता के, और स्पेशली अगर आपके पास सामान नहीं होता, क्योंकि जब आप सामान कैरी नहीं करते ना, बोझ नहीं होता आपके सर पे कि आपको वो देखना है, पर्स नहीं होता, बैग नहीं होता, तो आप ज़्यादा खुले दिल से इन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ज़िंदगी को भी रखना चाहिए। जितना बोझ लेते चलेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी रहेंगे। जितना अपने आप को हल्का रखेंगे, जितना मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उतना ही हम खुश रहेंगे। सो उस दिन हमने बहुत मज़ा किया, मुझे बहुत 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 अच्छा फील हुआ। तो आज हमने प्लान बनाया कि आज भी हम वैसा ही दिन इन्जॉय करेंगे, पर थोड़ी सी तैयारी के साथ जा रहे हैं आज। एंड मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेके चलते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे दिन के साथ। हमने ये थोड़ा सा सामान मैंने लिया है जो मैं लेके जाने वाली, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा बहुत ये सामान तैयार है। हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस कैन सी, वियर्ड एंगल है पर आज बहुत 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 ज़्यादा गर्म दिन है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बीच पे आए हैं। सो यार हिम्मत रेडी हो रहा है पानी में जाने के लिए, सो आज मैं उसकी जैकेट भी लेके आई हूँ। सो ही इज़ ऑल रेडी एंड गियर्ड अप, बट मैंने चप्पल ला दे एंड इतनी रही फ्रंट पे। Without you, thought I'd never be alone. I spent all my days around you. How could you just let me go? All right, दोस्तों, तो हस्बैंड पार्किंग लगा के आ गए हैं। उन्होंने हमें पार्किंग, लाइक जब हमने बीच के पार्किंग वाले एरिया में एंटर किया, तभी उन्होंने हमें उतार दिया था। कह रहे कि जाके सीटा लबो और मैं आके मिलता हूँ आपको। और उसके बाद हम तो वहीं पर बैठ गए क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था। पर अब आके हस्बैंड ने अपनी डिफरेंट प्लेस चूज़ की है और अब हम नए प्लेस पर बैठे हैं आके, और अब हस्बैंड एंड हिम्मत पानी में चले गए। मैं अभी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले ही आती हूँ, गाड़ी में तो है, पर मैं अब सोच रही थी कि हस्बैंड को फ़ोन करूं कि मेरा कॉस्ट्यूम ले आओ गाड़ी में से, ताकि मैं भी मज़ा कर लूं। पर तब तक हस्बैंड आ ही गए और मुझे कह रहे कि तुम मुझे फ़ोन तो नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया। मैं क्या, मैं करने के बारे में सोच ही रही थी, करूँ ना करूँ, उसी चक्कर में मर गई और नहीं किया। सो या मैं अपने लिए किताब लेके आई हूँ जो मैंने लाइब्रेरी से, ये है दिस इज़ हाउ आई सेव्ड माय लाइफ। और इसमें एक लेडी ने अपनी स्टोरी लिखी है जिसको बहुत 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 सारी डिजीज़ हो गई हैं, लाइक रियलिटी रियल किताब है ये, कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया और कैसे उसने इतनी डिजीज़ को मात दे दी एंड शी इज़ ओके नाउ। ओके, मैं छतरी भी लेके आई हूँ, पत्ती इधर आ रहा है, ऐसा लग रहा कि हीरो बनने की कोशिश करन दे, बॉलीवुड फैंटेसीज पूरी कर रहा है। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी आ रहा है, लुक एट दिस क्यूट मिमी चेयर, पक्षी लेके आनी चाहिए थी। डैडी नोज लिटिल बिट, सो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू टू लर्न द बीच इज सुपर फन गाइस, बीइंग ऑन द बीच इज सो फन। And I think you and the beach this day, you need to go to the beach this day.
What do you think? This is a what? This is a what? Don't. I'm tall. I'm so strong. Break stone. I break. Lucky stone. On its way now, I remember when the devil on my shoulder told me there'd be a day where I might suffocate. Running fast, pressure's on, and I can barely breathe. I said goodbye to the days of playing hide and seek. Running fast, pressure's on, I need some air to breathe. Can't go back to the days of playing hide and seek. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हस्बैंड अपना पर्स भूल गए हैं, नॉट पर्स, की भूल गए ही पला, फ़ोन. तो हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया कि फ़ोन लेने जाएंगे. तो मैं सोचा कि तब तक मैं अपना लक सीधा कर लेती हूँ, और लक सीधा करते करते हम पढ़ेंगे किताब. एंड लक सीधा करने के लिए इससे मैं एज अ पिलो यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें सारे कपड़े ही हैं, तौलिया है, तो अच्छा मज़ेदार है ये. Chatting in a coffee shop, sitting by the windowsill, walking down 8th Avenue with you. Our fingers touching the light. Okay, आज सुबह आने से पहले मैंने मेरे बालों को वॉश किया था. और जब मैं बालों को वॉश करती हूँ, मेरा यूजली रूटीन होता है कि मैं उनको स्टाइल कर लेती हूँ, लाइक ब्लो ड्राई करके थोड़ा स्ट्रेट या वेवी, जो भी, क्योंकि उससे मुझे लगता है मेरे बाल थोड़े इजी मैनेजेबल होते हैं. मैंने पास में भी ये कितनी बार बताया होगा, क्योंकि मेरे बाल वैसे बहुत ही अजीब किस्म के कर्ली हैं. सो आज मैं सोचा कि नहीं करूँगी मैं, क्योंकि हो सकता है मैं पानी में जाऊँ और हो सकता है कि फिर से गिले हो जाएं. और वैसे भी आज इतना गर्म दिन है कि बाल पसीने की वजह से फिर से वो कर्ली हो जाएंगे, क्योंकि कर्ली लोगों की ये प्रॉब्लम है. अगर मीह पै जाता है तो कर्ली हो जाते हैं, बारिश वो क्या बोलते हैं, स्वेट से हो जाते हैं जब बहुत ह्यूमिड होता है, गर्मी होती है. तो मैं सोचा नहीं कर रहे उन तरह, मेरे बाल ना मैनेज नहीं हो रहे मैं इससे. सो कभी ऊपर कभी थल्ले. एक तो ये वाले बालों में मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ना ये ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं तो सारे पास से फैले रहने हैं. क्या आपको भी ये कर्ली बालों वाली स्ट्रगल है, बताना मुझे. और घर से आज मैं खा के नहीं आई हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं थोड़ा कम खा रही हूँ, क्योंकि वेट लूज़ करने की कोशिश में हूँ मैं. क्यों? क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है. नहीं, आलतू फालतू टशन करती रहती हूँ मैं वंस इन अ वाइल. वैसे तो बहुत सालों से मेरा वेट सेम है, 68 किलोग्राम्स, पर पिछले आई थिंक एक हफ्ते से मैंने एक ही मील खाया है हर दिन. सो 3 किलो कट हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट रीचिंग 65. सो मैं हूँ ना नवा टास्क बना लिया है कि 62 किलोग्राम्स करना है मुझे. और मेरी हाइट 5'7" है, वैसे तो 65 भी मुझ पे ओके है, पर फिर भी मैं सोचा कि ज़्यादा ही पतले होना मैं, कि मैं सही सोचा, आई डोंट नो, पर सोच लिया मैं. ओके, सो हस्बैंड एंड हिम्मत, आपने देखा कि वो अपना फ़ोन लेने के लिए गए हैं. सो करो, मैं कुछ खा के नहीं आई बता रही थी मैं. सर मैंने स्मूदी पी है, पर मैं उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर ली थी, अच्छी हैवी स्मूदी बनाई थी मैंने, पर उन्होंने भूख लग रही है. बाहर आके ना एक भूख आपको वैसे भी ज़्यादा जल्दी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग कुछ कुछ खा रहे हैं, खुशबू आ रही है, वहीं भूख लगना पड़ गया. पर हम कंट्रोल करेंगे, और हो सकता है कि मैं पिज्ज़ा खाऊँ, क्योंकि जो मुझे पिज्ज़ा स्टोर पसंद है ना वो यहाँ पे है. और बाई द वे मुझे लगता है मैंने बताया नहीं है, ये जो बीच है ये बर्लिंगटन है, बर्लिंगटन का लेक शोर. सो या अगर आप आना चाहें तो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम जगह पे जाते हो पर लोकेशन नहीं बताते, हमें भी जाना है वहाँ पे. सो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना बीच के उस साइड, वहाँ पे पिज्ज़ालियो स्टोर है, उनका पिज्ज़ा मुझे अच्छा लगता है. तो उत्थों मैं पिज्ज़ा खा सकती हूँ, उसका पिज्ज़ा ही मुझे मत को भी अच्छा लगता है. सो फार यही अपडेट है मेरी ज़िंदगी की. और किताब पढ़ रही हूँ मैं, और किताब के साथ काफ़ी रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि जो राइटर है वो वर्गो है, और उसकी ट्रेट्स मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं. वो तो उदी डिजीज़ वाली कंडीशन भी मैच करती है, पर उदी जितनी बच्चा जितनी हालत उसकी ख़राब है, जितनी चीज़ें उसको हैं उतनी तो नहीं है मुझे. पर या अच्छा है, लाइक आपको मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये इतनी डिजीज़ होने के बावजूद वो ऐसे कर सकती है अपने आप को सही,
निश्चय करके सो हम भी कर सकते हैं. सो ऐसे बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है एंड उसी की मदद से थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए. सो या जो भी दोस्त मुझे आरए के लिए अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं उनको मैं जल्दी अपडेट करूँगी. मैंने एक दो बार वीडियो शूट किया पर वो मुझे चंगी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं की. पर या आरए के बारे में दो तीन वीडियोज़ आ रही हैं आपके लिए, सो अपडेट करूँगी मैं मेरी कंडीशन और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और एंगजाइटी एंड दुख तकलीफ वाली वीडियो भी. ओके तो हस्बैंड फ़ोन लेके वापस आ चुके हैं पर ये सफ़र के दौरान उनको फिर से गर्मी लगनी शुरू हो गई है तो थोड़ा ठंडा होने के लिए दोनों जाने पानी में चले गए. सो मैंने भी सोचा था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, अब मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं जा नहीं सकती. वाई बॉलीवुड फैंटेसी कर रहे थे. ओके गाइस, बॉडी में 12 साल लग ले प्यारी जेल 12 साल लग गया बनिया तेरे को कैसली रखते तू 50 साल से पूछेंगी. समय आ गया है जाने का, हमने पैकअप कर लिया पर ये लड़का अभी भी जाना नहीं चाहता. दिस गाय इज रेडी, ही चेंज हिज क्लोथ्स. आई डोंट नो व्हाई डैडी को ये टी शर्ट क्यों पसंद है, मैंने जमा पसंद नहीं है. वो प्यारी तेरी टी शर्ट दे सर्फिंग करन दे गाय, ये बीच एप्रोप्रिएट है. मेरा ऑक्यूपेशन पहला यही होता था. गाइस यू आर हैविंग पिज्जा? नो नो नो, वी नॉट हैविंग पिज्जा. Because daddy is a food boss today, you need to ask him. Daddy, can we have pizza, please? Papa ji, can we have pizza? Okay. Accent, we think it's a good Papa ji. तो हमने काफ़ी ज़्यादा समय वो बीच पे स्पेंड किया. मुझे लग रहा था कि हजे हमें आए कुछ ही मिनट्स हुए होंगे पर एक्चुअली 3.5 घंटे हो चुके हैं और अब मुझे भूख लग रही है और मैं अपने हस्बैंड को धीरे से पूछ रही थी कि पिज्ज़ा खा सकते हैं क्योंकि टुडे डैडी इज़ अ फूड बॉस. डैडी सेड कि ठीक हस्बैंड आपको कैसा पिज्ज़ा अच्छा लगता है? अलग देसी पिज्ज़ा. मेरे हस्बैंड को पिज्ज़ा अच्छा लगता है कि पिज्ज़ा का बेस हो ऊपर दाल हो. दाल हो तो उत्ते सिरके वाले प्याज, ऐसा पिज्जा खाते हैं मेरे पति. कहा ना उन्होंने मुझे देसी पिज्जा अच्छा लगता तो इनको वैसा पिज्जा. ओके सो प्लान चेंज हो गया हमारा, हम पिज्जा लियो नहीं जा रहे, हम पिज्जा जा रहे हैं. ऑलराइट दोस्तों, पिज्ज़ा खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. आई डोंट नो क्या हो गया है हमें कि जब भी हम बाहर जाते हैं बेशक घंटा स्पेंड करें दो घंटे स्पेंड करें इतना ज़्यादा थक के आते हैं कि पता नहीं कैसी जंग जीत के आए. अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर से बताना.
उसके बाद खाने पीने के बाद सो गए, बस पता नहीं फिर कब उठे, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। सो इसी तरह ये प्यारा सा व्लॉग एंड होता है। आई होप आपने ये प्यारा बीच डे वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बार में बताना है कि आप ये थकावट से रिलेट कर सकते हैं या नहीं। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइज सो वेरी मच, बाय।